बहुत ही खुशी हुई यार। क्या कहते हैं, पहले तो जब पाकिस्तान खेली थी तो ऐसा लग रहा था कि क्या कहते हैं पाकिस्तान ही जीत जाएगी और इंडिया मतलब हो जाएगी। फिर बाद में जब इंडिया की पारी आई तो फिर उसके बाद में बच्चों ने एकता विष्ट ने उन्होंने विकेट लिए तो कि होप हो गई थी कि वो जीत जाएंगे करके, और लास्ट में जीती गई। एकता ने 5 विकेट लिए, बहुत खुशी हुई। और आज उसने 5 विकेट लेकर अपनी टीम को और भारत को गर्व करने का मौका दिया है और परिवार तो वैसे ही खुश हो जाता है। ये मैच बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि इसको जीतने के बाद इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचती। जब लास्ट में इंडिया जीती तब हमारे यहाँ मोहल्ले में पटाखे भी फोड़े तो बहुत अच्छा लगा। खुशी का माहौल था, सबने एंजॉय किया मैच, सबका गुड विशेष आया, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों का फोन आया, बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप आए, गुड विशेष आ गए, लोग घर पे आए, उन्होंने गुड विशेष दी। आज दोपहर तक लोग आ रहे थे मेरे पास, विकेट बहुत स्विंग हो रही थी कल, तो विकेट पे खड़ा रहना बहुत मुश्किल था क्योंकि इंडिया टीम भी पूरी कोलैप्स हो गई, तो विकेट पे खड़ा रहना बहुत जरूरी था उस टाइम पे। पूनम टिकी और एक वर्मा करके थी जो कीपर थी। उसके बाद में बहुत उसने स्ट्रगलिंग किया, बहुत मेहनत किया नो डाउट, और उसने जो अभी कमबैक जो वापस किया है, 1.5 साल का उसको बैड पैच आया था, होता है कभी कभी कुछ टेंशन वेंशन काम का प्रेशर, ये तो उसकी वजह से थोड़ा सा इंजुरी था थोड़ा सा, तो उसके ऊपर मात करके उसने जो कमबैक किया ना वो तो शी इज़ ग्रेट। वहाँ पे उसका गली क्रिकेट चालू हो गया लड़के लोग के साथ, तो प्रैक्टिस मैच बहुत खेली वो 4 साल लड़के लोग के साथ, तो उसका गेम है ना सेम लड़के जैसा हो गया, तो उसको फ़ायदा हुआ। 50 ओवर तक खेलते हो तो 50 ओवर बैटिंग करना, 50 ओवर फील्डिंग करना, 7-7.5 तास तुमको ग्राउंड में खड़ा रहना है, काली हो जाएगी, तेरे को पति कौन देगा? ऐसा मैंने पूछा, बोलते पापा उसकी परवाह मत करो आप, मुझे खेलना है।